सबसे पहले मैं सत्य शोधक फाउंडेशन और देश हरियाणा पत्रिका के संपादक प्रोफेसर सुभाष जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसे समय में इस तरह की सृजन यात्रा का आगाज किया जिस समय सरकारी संस्थाएं गूंगे होने का प्रमाण दे रही है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि जब कोई कान न हिला रहा हो उस समय बोलना और चलना ही बहुत बड़ा साहस है। गुप्त जी जैसे शख्स को परिषद ने इस तरह ढूंढा कि अंधेरे में रह रहे हम जैसे लोगों को एक ऐसी ज्योति दिखाई कि जीवन भर हम सीध बांध कर हमेशा चलते रहेंगे। मैं याद करता हूँ हरिराम आर्य जी को, श्याम सुंदर सिंगल जी को, और इसी के साथ साथ नरेश चौहान जी और सत्यवीर नाडिया जी द्वारा स्थापित इस परिषद का मैं बार बार सम्मान करता हूँ। और अपनी नर्सरी के दिनों में दैनिक ट्रिब्यून, हरिभूमि और रहट चाल को याद करता हूँ। सहगल साहब चले गए पर रहट चाल के संपादक नरेश चौहान जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसे वक्त में उन्होंने हमें राह दिखाई जिस वक्त हमें ये पता ही नहीं था कि हमें चलना कहाँ या चलना किधर है। यह भी एक सोचने का विषय है कि जब हमारे देश के युवा का मस्तिष्क इस तरह से वोश किया जा रहा है कि उसके हाथ में कलम और किताब की जगह लठ और गन दिया जा रहा है और उसे यही अपनी मंजिल लगती है, वह सरेआम इन दोनों को ऐसे लहराता है और हम सब चुपचाप देखते हैं और भय से कांपते हैं। अभी कल के सुबह एक टिप्पणी में पढ़ता हूं, मैं शहर का नाम आपको नहीं बताऊंगा ये जानबूझकर, जिसमें एक युवा लिखता है खालिस्तान में भी शांति दूत काफी हो गए हैं, कहीं दिल्ली वाला हाल न हो जाए सोचा याद दिला दूं। ये फेसबुक पर टिप्पणी है। एक दूसरा युवा उसी को लाइक करता है और लिखता है हाँ इलाज जरूरी है। तब हमारे लिए ऐसे वक्त में अल्ताफ हुसैन हाली, शेख फरीद, गरीब दास और बालमुकुंद गुप्त जैसे रचनाकार अत्यंत प्रासंगिक हो जाते हैं। इस सृजन यात्रा पे थोड़ी सी बात करूं मैं। इसी 14 फरवरी 2020 को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी का बालमुकुंद गुप्त और उनकी पत्रकारिता विषय पर व्याख्यान हुआ, तो एक तरह से मैं इस सृजन यात्रा की शुरुआत वहीं से मानता हूँ, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। थोड़ी सी मैं कुछ बात अलग ढंग से करना चाहता हूँ कि एक बार हमारे विभाग में किसी मित्र के साथ कोई सज्जन आए थे, काफी देर बाद हमने पूछा उनसे कि आप कहाँ से हैं, तो उस मित्र ने बताया कि मैं तरौनी से हूँ। और तरौनी आप जानते होंगे कि हिंदी के एक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं बाबा नागार्जुन, उनका गांव है। मैंने उनको ये कहा मैं आपको छू रहा हूँ कि इसलिए कि मुझे लगेगा कि मैं नागार्जुन को छू रहा हूँ। तो अचानक से हमारा उनके प्रति और सम्मान बढ़ गया। इसी में मैं एक दूसरी बात करता हूँ कि मेरे गांव के नज़दीक एक दूसरा गांव है, उसका नाम है दोंगड़ा अहीर। वहाँ मैं इसको अंधविश्वास की दृष्टि से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मेरा यहाँ दूसरा भाव है बिल्कुल। वहाँ नज़र का हाथ फेरा जाता है, मान लीजिए किसी की नज़र लग जाए तो बच्चों के या इस तरह से बेल पे, रोटी पे, पानी पे, एक तरह से ये है, उसको एक परिवार विशेष हाथ फेरता है। लेकिन होता क्या है कि सब लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो उस गांव का कोई भी व्यक्ति कहीं होता है तो सब ये मान लेते हैं कि ये चूंकि उसी गांव का है इसलिए हाथ फिरवा लेते हैं और नज़र कट जाएगी। ठीक इसी तरह मैं बड़ी श्रद्धा से इस गांव में खड़ा हूँ, बालमुकुंद गुप्त के गांव में, और आज गुप्त जी नहीं हैं और मैं देख रहा हूँ गुड़ियानी के लोग हैं यहाँ, मैं उनमें गुप्त जी का अंश देखता हूँ और उसी भाव से इस गांव को और आपको नमन करता हूँ।
सवाल ये आता है कि गुप्त जी को हम क्यों याद करें। धन्यवाद। असल में सर हम लोग असल में हमारी जो ट्रेनिंग है वो सुभाष जी के यहाँ बड़े ही सम्मान से अपने पास रख रहा हूँ। तो हम गुप्त जी को क्यों याद करें, अब इसके पीछे हरियाणा की जो साहित्यिक छवि है वो आड़े आती है एक तरह से। मेरे साथी चले गए, इच्छा तो बड़ी थी कि मैं अपनी बात उन्हीं के सामने कहूँ। बनारस से बहुत प्रिय साथी है मेरे, डॉक्टर सिद्धार्थ कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हरियाणा और साहित्य मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। ये ऐसा लगता है कि वो कई बार शिकायत की तरह भी करते हैं कि हरियाणा में चीजों का मेल नहीं है, और मेल है तो बेमेल है, जैसे चाय के साथ लड्डू। वो हंसते हैं कि चाय भी मीठी है और लड्डू भी मीठा है, और चाय के साथ लड्डू कैसे हो सकता है। तो हरियाणा में तो ठीक इसी तरह से हम लोगों को देखा जाता है। एक तरह से साहित्य में हमारी ये द्वयम छवि है, मतलब हरियाणा को मतलब ये आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि हम पंजाब में, क्योंकि हमें हरियाणा तो 1966 के बाद ही है, तो पंजाब के नाम से बहुत सारी चीज़ें हरियाणा के हिस्से में आई नहीं चीज़ें कुछ, और उसका हमें कुछ लाभ भी नहीं मिला। और आप देखेंगे कि ठीक ऐसे वक्त में जब हरियाणा जैसे प्रदेश को द्वयम दृष्टि से देखा जाता है, तो ऐसे वक्त में हमें गुप्त जी जैसे रचनाकार जब मिलते हैं तो उससे हमारा निश्चित रूप से सीना चौड़ा हो जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बड़े बड़े आलोचकों के सामने वो अपनी बात को बहुत ही दबंता से रखते रहे, जैसे आप आचार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आप प्रसंग ले लीजिए, जिसमें रामचंद्र शुक्ल तक द्विवेदी जी के पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा उसका, सिर्फ एक छोटा सा आपको कोट में बताता हूं। जैसे भाषा देखिए, एक रचनाकार, और ये तब है जब महावीर प्रसाद द्विवेदी बालमुकुंद गुप्त के संपादन में छपते हैं और कई बार छपते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस तरह से एक व्यक्ति को कमतर करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो पहली पंक्ति लिखते हैं, वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, लेकिन तुरंत क्या कहते हैं ये मैं आपको, आप थोड़ा सा सुनिए। वो कहते हैं, और मुझे ये शब्द बार बार चुभता है और चुभता रहेगा, वो कहते हैं, ये बहुत ही चलते पुरजे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण लेख से अनस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चुगलबाजी का पुट पूरा था। द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त उनकी विनोदपूर्ण विगहना के लिए स्वर्गों का ठिकाना नहीं शीर्षक देकर बहुत फफता हुआ आला कल्लू अधैयत के नाम से लिखना पड़ा। अब आप ही देखिए, जब बालमुकुंद गुप्त आत्माराम के नाम से लिखते हैं तो वो कहते हैं कि ये दूसरे नामों से लिखते हैं, वही चीज जब महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं तो वो कहते हैं इनको लिखना पड़ा। तो ये आके एक, और आप इसको देख सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल की जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसमें आप देख सकते हैं। तो ऐसे खैर ऐसे अनेक कारण हैं। मैं इसके अलावा भी यदि बात करूं कि आलोचकों की उपेक्षा के बावजूद हम, मुझे लगता है कि गुप्त जी अत्यंत अत्यंत मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब मैं उनको आज के समय में देखता हूँ। जैसे आप देखेंगे इस वक्त हमारे सामने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बैठे हैं, सक्षम करवा रहे हैं और वो सब है। स्कूली शिक्षा को आप जान रहे होंगे कि कितनी बोझिल हो गई है, जिस तरह से निजीकरण है और जिस तरह से लूट खसोट दिखावा शिक्षा एक व्यापार बन रही है। उस समय में वो ये चाहते हैं कि कैसे आप सरल भाषा में बच्चों को आप कुछ सिखाएं। तो ऐसे समय में मैं सिर्फ दो लाइनें पढ़ूंगा, सिर्फ
जैसे उनकी एक कविता का संदर्भ दिया जा सकता बाल कविता का, जब ऐकार और औकार सिखाना हो आपको, आप रटवा दीजिए और आप जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आप इसी को कोट करके अपने टीचर्स को कुछ बताइए और कहिए कि आप इससे पढ़ाइए बच्चों को, आप देखेंगे बच्चे जल्दी याद करेंगे। जैसे देखिए ऐकार और औकार का कैसे प्रयोग करते हैं हम। एक हाथ में लाठी था मैं, एक में गिलास, बुढ़िया चली दही लेने को मिल गया कैलाश। अब कैलाश में आई है और उधर एक में ए है। ऐसी जल्दी ओरी बुढ़िया, ओरी बुढ़िया बोल उठा कैलाश, बिना दांत के दही खाएगी जाए सत्यानाश। बुढ़िया बोली चिढ़कर, लड़का कैसा है गंवार कैसा, दही सड़क जाने में है क्या दांतों की दरकार। अब आप इसको पढ़ेंगे तो बच्चों को तुरंत भेद पता लगेगा और कैसे शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है या अक्षर का। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे समय में जब हमारी शिक्षा दूसरी तरह से हो तो गुप्त जी प्रासंगिक होते हैं। यह भी एक ऐसा ही समय है जिसमें किसान कतार की कतार में मर रहे हो, उस समय भी आप देखेंगे कि हमें गुप्त जी उतने ही याद आते हैं जब आप उनकी कुछ कविताएं पढ़ते हैं कि जरत अन्न बिन पेट, देह बिन वस्त्र उघारी, भूख प्यास सो व्याकुल है, रोवत नर नारी। और उसके बाद भी है लेकिन चूंकि समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं आपका भी उसी तरह से सम्मान करते हुए कुछ कुछ बात मैं रखना चाहता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि ये भी आज का उसी तरह का मतलब जरूरी प्रसंग है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया किस तरह से मतलब मैं कैमरों के सामने उसके बावजूद कह रहा हूँ दलाली के दलदल में धंसी हुई है। ऐसे वक्त में गुप्त जी अपने अपने समाचार पत्र में कितनी दबंगता से लिखते हैं। देखिए किताब छपवाना और अपने घर में रखना, किसी के पास पहुंचे ना, कुछ भी लिख दो, लेकिन जो अखबार जनता के पास पहुंचता है, जो अखबार सत्ता के पास पहुंचता है, उसमें लगातार लिखना और बिल्कुल उस सत्ता के खिलाफ लिखना एक बहुत बड़ा काम है जो कि गुप्त जी करते हैं। आप देखेंगे उनका ये कोट है जो देश हरियाणा की पत्रिका के पिछले उस पे पृष्ठ पे भी है कि वर्तमान युग को सीडिशन का युग कहना चाहिए, अखबारों के सिर पर इस समय सीडिशन की तलवार बनी हुई है, कब किस पर वार हो जाए सो भगवान ही जाने। ये और भी कोट है, आप इन पंक्तियों को मुझे आज के समय में प्रासंगिक करके दिखा दीजिए, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी तरह से आप देखेंगे जैसे जब सत्ता के सामने जो शक्तिशाली लोग हैं जो दुम हिलाते हैं अपनी, जिस तरह से ऐसे वक्त में गुप्त जी सत्ता से दो दो हाथ करते हैं। और आप ये याद रखिए कि वो गुलाम भारत था और गुलाम भारत में वो किस तरह से अपनी बात रखते हैं, मतलब वो सत्ता वचनम की जगह सत्य वचनम कहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें आपको हम मतलब इसके कितने भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, शिव शंभु के चिट्ठे, इसको बार बार दोहराने की जरूरत है नहीं, शिव शंभु के चिट्ठे आप पढ़िए आपको लगेगा कि एक व्यक्ति कैसे बात करता है। और ऐसे वक्त में भी जब समाज सेवक स्वयं सेवक हो रहे हो गुप्त जी याद आते हैं, समाज सेवकों को समाज की फिक्र नहीं सिर्फ अपनी बात करते हैं वो। लेकिन आप देखेंगे गुलाम भारत में गुप्त जी आम जनता की आवाज बनकर हमारे सामने आते हैं और अपनी बात वो कविता में निबंध में संपादकीय में किस तरह से उठाते हैं। वो एक ऐसे वकील की तरह हैं जो फीस भी नहीं लेते और फीस लेने वालों से भी ज्यादा काम करते हैं, और वकील का क्या काम है वो नरेश चौहान सर अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक ऐसी जनता का वकील होना मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस वक्त आप अपने आसपास को भूलना चाहते हैं और आप लोकल की बजाय राष्ट्रीय नहीं आप अंतर्राष्ट्रीय होना चाहते हैं, तो उस समय गुप्त जी की हमें भैंस का स्वर्ग जैसी कविता याद आती है कि वो अपने कैसे आसपास से जुड़े रहते हैं, उसके वो इतने मतलब इतने आगे होते हुए भी वो भैंस को उस समय भी याद रखते हैं जब वो लिखते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस खड़ी पुकारती है,
और कुछ कुछ पूंछ उठाती है और कुछ कुछ कान मिलाती है। आप साहित्य में गुजर जाइए, इस वक्त भी आपको भैंस कहीं भी नहीं दिखेगी। तो ऐसे वक्त में मैं ये मानता हूँ कि गुप्त जी का काम बड़ा है, और ऐसे वक्त में भी जब हिंदी कई कई रूपों में हमारे सामने है और हिंदी नहीं वो एक तरह से इंग्लिश बन गई है, तो ऐसे वक्त में भी आप गुप्त जी को उनके भाषा चिंतन में, वो भाषा की भूमिका पे, अच्छी हिंदी पे और इस पे आप गुप्त जी को याद कर सकते हैं कि कैसे वो भाषा के प्रयोगों को लेकर किसी से भी भिड़ जाते हैं। और मुझे ये लगता है कि गुप्त जी का मैं कौन सा रूप याद करूँ, बीएम शाद वाला जिससे वो जिसमें वो गजलें लिखते हैं, या रसिकलाल दत्त वाला जिसमें वो बाल कविताएं लिखते हैं, या शिव शंभू वाला जिसमें वो चिट्ठी लिखते हैं, व्यंग्यात्मक जो निबंध है, या आत्माराम वाला जिसमें वो दिव्य दीजिए से बात करते हैं। मुझे सब में एक ही व्यक्ति दिखता है, वो है गुप्त जी। और जिसने हमें गुप्त रहने से मना किया है, आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। भाषा का नया अंदाज, लेखन का नया मिजाज सीखना हो तो अमित मनोज जी को पढ़ना पड़ता है, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनका गद्य भी काव्य जैसा लगता है। गूंगी जनता के मुखर वकील थे गुप्त जी, ये उनका सारांश है।